हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के है। और ईआरपी 9 में खास तौर पर कंफ्यूजन तब बरकरार रहती है जबकि आप गोडाउन की बात करते हैं। आखिरकार गोडाउन बनाया क्यों जाए? देखिए, इसका जवाब यही है कि गोडाउन बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपका कारोबार काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जब कारोबार बड़ा होगा तो छोटे से शॉप पर आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है। आप जब सामान मंगाओगे तो बड़ी मात्रा में मंगाओगे तो उसको रखने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है, और वो जगह आएगा कहां से? तो आपको जगह रेंट पे लेना होता है, या आपकी खुद की जगह हो तो वहां भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कारोबार जब काफी बड़ा हो जाता है तो एक गोडाउन से काम नहीं चलता है, तो दो चार या पांच गोडाउन बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे में सामानों को रखने के लिए गोडाउन को बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि इसको टैली में कैसे किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर टैली ईआरपी 9 में देखेंगे इसे, ठीक है। और यहाँ से चाहे तो कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं या न्यू कंपनी ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और एक नई कंपनी ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओम साई इंटरप्राइजेज नाम से बना लेता हूँ एक कंपनी, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पर लोकल एड्रेस आएगा, तो जो भी आपका लोकल एड्रेस हो वो यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। और फिर एंटर करिएगा और यहाँ पे कंट्री चूज होगा, और यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा आपका यूपी, यानी हमारा जो है स्टेट उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर उसका जो भी लोकल एरिया का पिन कोड वगैरह है वो सब डाल करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये कंपनी हमारी बन करके तैयार हो गई, ठीक है। अब कंपनी बन गई तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें जीएसटी इनेबल करना है। तो F11 प्रेस करेंगे, जीएसटी इनेबल करेंगे। अगर आप बाहर की कंट्रीज के रहने वाले हैं या अगर आपको वैट की जरूरत पड़ती है तो इसी में आपको वैट भी मिलेगा, अभी दिखाता हूँ कहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आ गया स्टेटरी एंड टैक्सेशन। तो यहाँ पे जीएसटी देखिए ऊपर सबसे दिख रहा है आपको, तो जीएसटी यहाँ से यस कर दीजिएगा और यहाँ से इसको भी यस कर दीजिएगा। एक विंडो आएगी, यहाँ पर स्टेट आपका दिख रहा है, रेगुलर हम जीएसटी फाइल करेंगे, अगर आप क्वार्टरली करना चाहें तो कर सकते हैं, फिलहाल हम रेगुलर ही रखते हैं इसको। और यहाँ पर ये हमने डाल दिया आपका जीएसटी आईएन नंबर, और यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे अल्टर कर देना है। तो यहाँ पर अल्टर करेंगे तो यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, और टैक्सेबल करने के बाद यहाँ पे जो भी आप टैक्स बाय डिफॉल्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये मैंने 5% दे दिया है। अब यहाँ पर वैट की बात आती है, तो यहाँ नीचे ही आपको वैट भी मिल जाता है। तो अगर आप वैट भी इनेबल करना चाहें तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल करेंगे इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर आपको वैट की डिटेल को अल्टर करना होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 5% का वैट भी लगाया जाए और 2% का एडिशनल टैक्स भी लगाया जाए। तो ये सारी चीजें करके यहाँ से इसको भी यस कर देते हैं और एंटर करके, और एंटर एंटर लास्ट तक आपको एंटर 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 प्रेस करते जाना है, ठीक है ना। तो लास्ट तक जब तक आप एंटर एंटर नहीं प्रेस करेंगे तब तक ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये लास्ट तक एंटर एंटर कर लीजिएगा। अभी किसी वाउचर में एंट्री पास नहीं हुई है तो हम सीधा चलेंगे कहाँ, रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ से F6 प्रेस करके आप आ सकते हैं रिसिप्ट वाउचर में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रेडिट। कभी कभी ये क्रेडिट और डेबिट नजर नहीं आता है, तो आपको करना क्या होता है, आपको यहां से फिर इनेबल या डिसेबल करना पड़ेगा। देखिए, अगर इनेबल है और डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी, और अगर डिसेबल है और इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। क्या है शॉर्टकट की, शॉर्टकट की है F12। क्या है F12? तो यहाँ पर जैसे ही F12 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट जो है यहाँ पर क्या किया गया है, इसे यस किया गया, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड को नो किया गया। तो अगर आप सिंगल एंट्री मोड चाहते हैं तो इसको यस कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटरी ऑप्शन, तो कह रहा है यूज एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर सर्विस लेजर अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स वैट। तो इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, जैसा है वैसा छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है तो यहाँ पे कर देते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है, तो ये कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ग्रुप चूज कीजिएगा और एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट हो जाएगा तो कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये देख लीजिएगा, और यहाँ पे कैश में कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं ये देख करके एंटर कर दीजिएगा। तो ये आधा काम हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब हमको एंट्री पास करनी है किसमें, मान लीजिए परचेज वाउचर में, ठीक है। तो ये आ गया परचेज वाउचर में, और अब हमें गोडाउन बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम अपना सामान कहाँ रखेंगे, गोडाउन में, ठीक है। तो सीधा प्रेस कीजिए F11 प्रेस कीजिए, ठीक है। यहाँ से बाहर आइए इसके बटन प्रेस करके, और यहाँ से F11 प्रेस कर दीजिए, और F11 प्रेस करते ही आपके सामने ये आएगा, ठीक है। अगर ये ना आए तो आप फिर बाद में F2 प्रेस कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया, ठीक है। और यहाँ पर आपको नीचे नजर आएगा, देखिए यहाँ पर तमाम डिटेल्स नजर आएंगे, और इसमें आपको गोडाउन भी नजर आ जाएगा। ये देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको यस कर दीजिएगा, ठीक है।
अब यहां पे कंट्रोल ए कर दीजिएगा, ठीक है, और यहां पर सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर है वो दे दीजिएगा। अब मान लीजिए कि गेहूं का बहुत बड़ा कारोबार है आपका, यहां पे कैश किया है मैंने, देख सकते हैं ये, और गेहूं के कारोबार के लिए आप गेहूं परचेस करते हैं सब होलसेलर से, ठीक है, और होलसेलर से परचेस करने के बाद आप उसको कहीं रखवाएंगे, तो रखवाने के लिए कहीं जगह चाहिए प्रॉपर, भाई गेहूं ऐसे खुले आसमान के नीचे तो होगा नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे आप, गोडाउन बनाएंगे, तो गोडाउन कहाँ कहाँ बनाया है उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसे यस कर देता हूँ, ये सारी डिटेल को यहाँ पे यस करता हूँ। अब यहाँ पर गोडाउन बनाना है, ठीक है, जैसे पहले स्टॉक आइटम बनाते हैं, तो ये स्टॉक आइटम हमारा बन रहा है, देखिए स्टॉक आइटम बनाते समय यहाँ पर मैं डाल देता हूँ WHEAT, कर दिया, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ यूनिट कर देंगे किलोग्राम, केजी कर देंगे केजी, तो ये केजी कर दिया और यहाँ किलोग्राम कर देते हैं किलोग्राम GRAM, ठीक है, तो ये किलोग्राम हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे केजी करेंगे तो केजी किलोग्राम आ जाएगा, और यहाँ पे 3 कर देते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पे सारी चीजों को ऐसे ही रख के एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गोडाउन आ गया है, गोडाउन हमने एक्टिवेट किया था और तुरंत यहाँ पे गोडाउन आ रहा है, तो गोडाउन कौन सा बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ न्यू कॉलोनी, देवरिया, ठीक है, तो एक गोडाउन बन गया न्यू कॉलोनी, और ये जाएगा किसमें, मेन लोकेशन में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, और कितनी क्वांटिटी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 100 किलो, यहाँ पे देखिए 200 किलो कर देते हैं, 200 किलो गेहूं जो है यहाँ पे रखा गया, रेट क्या पड़ा है, रेट पड़ा मान लीजिए 22 रुपए, खरीद रेट पड़ी 22 रुपए, ठीक है, तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, ठीक है, तो ये वीट यहाँ पे रख दिया हमने। अब कोई दूसरा भी गोडाउन बनाएंगे तो यहाँ चलिए वीट फिर से ले लेते हैं, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा गोडाउन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया राघव नगर, तो यहाँ पे न्यू कॉलोनी में जितनी जगह है रखने के लिए उतना रख दिया गया है, और यहाँ पे राघव नगर कर दिया, और राघव नगर करने के बाद यहाँ पे राघव नगर भी किसके अंडर रहेगा, न्यू कॉलोनी के अंडर, तो यहाँ पर ये काफी बड़ा गोडाउन है, तो यहाँ पे 1000 किलो जो है गेहूं रखा हुआ है, ठीक है, और ये परचेज रेट क्या पड़ा है 21 रुपए, तो यहाँ पे डाल दिया ये, ठीक है, और दोनों ही डाल दिया है। अब मान लीजिए राइस भी है हमारे पास, तो एक अल्ट सी करके एक और स्टॉक आइटम हम यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ अल्ट सी प्रेस करेंगे, तो एक और स्टॉक आइटम राइस बनाएंगे, और राइस यहाँ पे केजी में ही रहेगा, और बाकी इस पे अलग से चाहे तो जीएसटी, हालांकि जीएसटी हम तो लगाएंगे ही नहीं इस वीडियो में, खाली एक्टिवेट करना बताया मैंने, इस पे जीएसटी लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक गोडाउन बनाते हैं अल्ट सी करके, ठीक है, इस गोडाउन का क्या नाम डाल देते हैं, या फिर आप पुराना गोडाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसे बनाया था न्यू कॉलोनी, तो न्यू कॉलोनी को ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। न्यू कॉलोनी में यहाँ पर 500 किलो राइस रखा हुआ है, और ठीक है, और राइस की कीमत क्या है, खरीद रेट है 29 रुपए किलो, ठीक है, तो ये डाल दिया हमने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये गोडाउन बन जा रहा है, और बहुत आसान है गोडाउन बनाना, ठीक है ना, गोडाउन इस तरीके से बना लेंगे तो आपको मैनेजमेंट में सुविधा रहती है, ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरीके से करके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे नरेशन में डाल देंगे द गुड्स हैव बीन परचेज्ड एंड केप्ट इन डिफरेंट गोडाउन, तो यहाँ नरेशन भी डाल दिया है हमने, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, आप एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये काम हो जाता है। अब यहां से बाहर आइएगा, दोबारा डी प्रेस कीजिएगा, तो आप ये बिल देख सकते हैं, ये जो बिल निकलेगा आपका परचेस वाला, तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे यस कीजिए, एंटर कीजिए, तो देखिए ये जो है आपका बिल है इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी गोडाउन का नाम नहीं आ रहा है, तो आप गोडाउन का नाम भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, गोडाउन का नाम भी प्रिंट कराना आसान है यहाँ पे, हालांकि सारी चीजें दिख रही है आपको, तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे अल्ट की किया और एंटर किया, तो यहाँ पर अभी ये अगर गोडाउन का नाम यहाँ पे देना चाहता हुआ है, प्रिंट गोडाउन एड्रेस एंड गोडाउन नेम, तो यहाँ पे दो बार यस कर दीजिएगा, इन दोनों ऑप्शंस को यस करके और कंट्रोल ए करिएगा, कंट्रोल ए, और यहाँ पे आप प्रिंट करवाइए, तो यहाँ पे गोडाउन का नाम भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये गोडाउन का नाम भी नीचे प्रिंट हो रहा है, देखिए यहाँ पे गोडाउन का नाम भी आ रहा है, तो इस तरीके से गोडाउन का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं और गोडाउन भी बना सकते हैं, और सामान के मैनेजमेंट का बड़ा सही हिसाब किताब हो जाएगा अगर आप गोडाउन बना लेंगे तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।